स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हीरो सुपर स्प्लेंडर 100 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए, हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी की बाइक है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में, जी हाँ दोस्तों 100 सीसी में इंडियन टू-व्हीलर मार्केट में हीरो कंपनी लॉन्च करेगी, क्या क्या फीचर्स मिलेगा, क्या ऑन रोड शोरूम प्राइस होगा, क्या माइलेज होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप हमारे वीडियो से अपडेट रह सकें। सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में फीचर्स जो होगा दोस्तों, मीटर के बारे में बात करेंगे, तो मीटर कंसोल मिलेगा फ्रेंड्स आपको, एनालॉग देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे ये हेडलाइट के बारे में। दोस्तों, हेडलाइट आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलेगा, जैसा कि स्प्लेंडर में देखने को मिलता है, HF डिलक्स में देखने को मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों, हीरो की सेम ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि दोस्तों HF डिलक्स में आपको देखने को मिलता है, और ये ऐसे ही दोस्तों आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर में ही ऐसे ही आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके ओवरऑल लुक और डिज़ाइन के बारे में, तो फ्रंट का लुक दोस्तों बिल्कुल सेम सुपर स्प्लेंडर जैसा होगा, जैसा कि हीरो ने अभी सुपर स्प्लेंडर को अपडेट कर दिया है। यह इसका एक्सटेक मॉडल जो कि बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है, वैसे ही दोस्तों सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में एक्सटेक मॉडल में अगर लॉन्च होगी तो ऐसे ही सेम लुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात करेंगे दोस्तों कलर ऑप्शन के बारे में, तो यह इसका ब्लैक कलर जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों जैसे कि सुपर स्प्लेंडर में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वैसे दोस्तों आपको सेम 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इन बात करेंगे दोस्तों इंजन के बारे में, तो जैसा कि हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको 125 सीसी का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, वैसे दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में आपको अप्रोक्स 97.9 सीसी का, यानी दोस्तों 100 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, वो भी आपको एयर कूल इंजन देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करेंगे टायर वगैरह के बारे में, तो टायर जैसा कि स्प्लेंडर वगैरह देखने को मिलता है, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं स्प्लेंडर जैसा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा और HF डिलक्स जैसा फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि स्प्लेंडर और HF डिलक्स में सेम ही फीचर्स है, कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, दोस्तों लॉन्च डेट आपके हाथ पर है और मेरे हाथ पर है, हीरो तुरंत लॉन्च कर देगी। देखिए, कोई भी कंपनी ऑडियंस के डिमांड के मुताबिक काम करती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हीरो सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में आए, तो आप लोग एक काम कीजिए, मैं कहता हूँ आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करने में पीछे हटते हैं कि भाई सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में आना चाहिए। अब जब 100 सीसी में आएगी तो गरीब लोगों के लिए सहायता होगा, ये होगा कि वो सस्ते में मिलेगी। देखिए, सुपर स्प्लेंडर का अभी के टाइम में प्राइस दोस्तों 1 लाख प्लस हो गया है, यानी दोस्तों 1 लाख रुपया पड़ जाता है। ठीक है, और 100 सीसी में ये बाइक अगर आएगी तो 80,000 में पड़ेगा, यानी आदमी को एक लुक भी मिल जाएगा और एक बेहतरीन बाइक भी मिल जाएगा, माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि कम सीसी के बाइक में ज़्यादा माइलेज देखने को मिलता है और ज़्यादा सीसी की बाइक में कम माइलेज देखने को मिलता है। तो आप लोग चाहते हैं कि सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी लॉन्च हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए। देखिए, एक आदमी 5-6 बार कमेंट कीजिए अलग अलग तरीका से, यानी ये लिख दीजिए सुपर स्प्लेंडर 100 सीसी में आना चाहिए, इतना सा आप लोग ज़रूर लिखिए मेरे भाई, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और हीरो के कोई भी स्टाफ या फिर हीरो मोटो कॉर्प वाले अगर कोई देख रहे हैं, हीरो कंपनी वाले, तो प्लीज़ यार 100 सीसी में इस बाइक को लॉन्च किया जाए, ये मेरी राय है। ठीक है, बाकी दोस्तों हीरो की तरफ से अभी कोई भी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग डिमांड अगर रखते हो तो कंपनी इस पर काम करेगी। जाहिर सी बात है कि ऑडियंस के डिमांड पर कंपनी काम करती है, ऑडियंस का डिमांड था हीरो ग्लैमर को, ऑल मॉडल को फिर से इंडियन टू-व्हीलर मार्केट में रीलॉन्च किया जाए, तो लॉन्च किया, पैशन प्रो को लाया है, एक्सटेक मॉडल ले आया है, कंपनी ये चाहती कि ऑडियंस डिमांड करे, तो आप लोग डिमांड कीजिए दोस्तों, दबा के डिमांड कीजिए। तो ये था दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।